जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानि बुद्ध्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वि भावांतरच्छदे वंदितु सर्वसिद्धे द्रव चलमडो भवगति पत्ते चामि समय पाहु मेरो सुध के गली है। गुरुदेव श्री के इष्टोपदेश ग्रंथ पर गाथा नंबर 6 पर प्रवचन हुए और इसकी अंतिम लाइनें पढ़ते हैं 88 पेज पर। पूरे प्रवचन का सार ये था कि कोई भी वस्तु अच्छी और बुरी नहीं होती। 88 पेज है इसमें। ये चीजें अच्छी बुरी नहीं है, इसी अच्छी नहीं लगती, पहले अच्छी लगती थी फिर अच्छी नहीं लगती है। ये चीजें अच्छी लगती हो तो सदा अच्छी लगना चाहिए। भाई समझ में आ रहा है? इतना सरलता से पूरे द्वादशांग का सार जो प्रवचन सार जी ग्रंथ है उसमें एक अधिकार है ज्ञान तत्व प्रज्ञा और एक अधिकार है ज्ञेय तत्व प्रज्ञा है। हाँ, दो विभाग बनाए भगवान, इष्ट और अनिष्ट नाम का खाता नहीं खोल। एक ज्ञान का सागर है और एक ज्ञेय का सागर है। अपने को ज्ञाता देखो और जगत को देखो नहीं, दिख जाए तो वो ज्ञेय, ज्ञेय भी ज्ञायक है और ज्ञाता भी ज्ञायक है और ज्ञान स्वभाव। और जब आप अपने को ज्ञाता देखोगे तो फिर मनुष्य नहीं देखोगे, तो मनुष्य नहीं देखोगे तो इंद्रियों के धनी नहीं देखोगे, तो इंद्रियों के स्वामी नहीं बनोगे, तो पदार्थ को सेवन करने वाले स्वामी नहीं बनोगे, भुक्ता नहीं बनोगे, तो फिर वो पदार्थ अच्छे बुरे नहीं लगे। और जब तक तुम्हें परद्रव अच्छा और बुरा लगता है समझ लेना भांग खाई, मुंह का नशा चढ़ा है। अभी जीव को वस्तु स्वरूप सर्वज्ञ प्ररूप समझ में नहीं आ, सारे जगत को भगवान गे मात्र देखते, मात्र यानी इसके बाद कर्ता कर्म नहीं, भोक्ता भोग नहीं, ग्रहण त्याग नहीं, आधार आधे नहीं, लेना देना नहीं, अच्छा बुरा नहीं, तब तो उसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित, मोक्ष मार्ग और मोक्ष। बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है, समेट करके इतना समझना। पर द्रव्यंते प्रीति जो है संसार अबोध, जो पर द्रव्यों के प्रति जो लगाव है, झुकाव है, अपनापन है, अच्छा बुरा लगता है, ग्रहण त्याग दिखता है, भाई इतनी का नाम तो संसार है। वस्तु स्वरूप में ग्रहण त्याग नहीं, करता कर्म का विभाग नहीं, अच्छा बुरा नहीं, लेन देन नहीं, और फिर भी नशे में देखो क्या क्या दिखता है। जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए, जोर हो ज्वर का तो भोजन रुचता नहीं, और भोजन रुचने लगता है तो समझ लेना ये ज्वर चढ़ा। कड़वी नीम मीठी लगती है, सर्प का जहर चढ़ा, और कड़वी नीम कड़वी लगने लगती है, जहर उतर के। ऐसे ही जब आपको ऐसा लगे कि क्या है, सब तो अच्छा है बुरा क्या है, समझ लेना अब जैन शासन में आपका पदार्पण हो। ये कोई भी वस्तु अच्छी बुरी नहीं, यह चीज अच्छी बुरी नहीं है, ये चीजें पहले अच्छी क्यों लगती थी फिर है? अमर फल की कथा सुनी सब कि किसी व्यक्ति ने राजा को अच्छा समझ करके कि राज अच्छा चले अमर फल खाने। अब देखो राजा की वासना जो छठवी गाता है ना, वासना मात्र सुख है कल्पना मात्र। सुख कैसे होगा, परद्रव्य में सुख नाम का गुण नहीं, और फिर भी जीव को भूख लगती है तो भोजन इष्ट लगता, प्यास लगती है तो पानी इष्ट लगता, नींद लगती है तो बिस्तर अच्छा लगता, लोभ जगता है तो धंधा दिखाई देता, आत्मा दिखाई देना तो सब राग द्वेष मोह दूर हो जाए। तो राजा ने वो अमर फल रानी को दिया,
रानी ने अमरपल कोतवाल को दिया और कोतवाल ने अमरपल बेसिया को दिया और बेसिया ने अमरपल राजा को दिया। बताओ कौन किसे चाहता। कल्पना में देखो आपके ये जीव किस अंधेरे में और विकल्पों में जी रहा है कि हमें इनसे सुख मिलेगा आखिर में यही काम आए। तो राजा विरक्त हो गया था इस रहस्य को। बहुत बहुत लंबा प्रवचन स्वामी जी ने अभी 2-3 दिन से सुना रहे। वासना मात्र सुख है, सुख की कल्पना ही मिथ्या था। और राजा का नीचे उदाहरण दिया कि राजा लोग दिखते हैं जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बड़े बड़े नेता, ये बहुत भयभीत रहते, ये भोजन भी ढंग से नहीं करते। इनको पहले कुत्ते को भोजन कराना पड़ता, उसकी जान जाए तो चली जाए, राजा न मर जाए। और इनके लड़के बच्चे बाजार में खेल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। बताओ राजा है कि कैद में बंद, और फिर भी अपने को राजा मानने में। ऐसा अच्छे से विचार करेंगे तो आपको जिनेन्द्र देव के शासन की बहुत महिमा है कि हम कौन से जगह आ गए जहां पर वस्तु व्यवस्था बताई जाती है कि अरे प्रभु कोई भी वस्तु जगत में इष्टनिष्ट नहीं है। इष्टनिष्ट लगती है वो पर्याय बुद्धि होने से लग। तुम अपने को आत्मा नहीं मानते, मनुष्य मानते हो, तो फिर मनुष्य मानोगे तो 5 इंद्रिय के योग विषय तुम्हें अच्छे लगेंगे। जैसे ही तुम अपने को जीव देखोगे तो वो रमणीय भोग भी इष्ट नहीं लगेंगे। अभी स्वामी जी ने ऐसे ऐसे उदाहरण दिए जो कभी नहीं देते। आज कह रहे थे कि किसी व्यक्ति को विकल्प आ जाए कि मुझे 5 लाख का कल घाटा हो और उसकी पत्नी ऐसा चाह रही कि हमसे बातें करें, पूछे, बोले, सोचे, हमसे चर्चा करें, और उसे स्पर्श करती है वो पत्नी तो उसे आग लगती है, तू इस समय मुझसे बात मत कर। किस संसार है, किसी विकल्पों में अंधेरे में जी रहा है। ऐसी नींद खोलने वाला हमारा जैन शासन है, इसका बहुत गंभीरता से आदर आना चाहिए। अपन को 142 गाथा के बाद के कलश निकाल। नमः समय साराय स्वाने भूत्या चकास्ति स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छति। इसमें हमारे में 277 पेज पर 69 नंबर का कलश है। बहुत दिन से छूटे हो गए। 142 गाथा पढ़ने के बाद ये कलश की 20-21 कलश हैं ऐसे जो बहुत गंभीर हैं, गहरे हैं। एक ही सी बात को अनेक तरह से कहा जा रहा। यही विमुक्त्वा नय पक्षपातं स्वरूप गुप्ता निविशन्ति नित्यं विकल्प जाल च्युत शांत चेतास्तैव साक्षात् अमृतं पिबन्ति एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिते द्वयोर्द्वा वितिपक्षपातौ यस्तत्त्वभेदी च्युतपक्षपात तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्छदेव एकस्य मूढो न तथा परस्य चिते द्वयोर्द्वा वितिपक्षपातौ यस्तत्त्वभेदी च्युतपक्षपात तस्यास्ति नित्यं चेच्छदेव एकस्य रक्तो न तथा परस्य चिते द्वयोर्द्वा वितिपक्षपातौ यस्तत्त्वभेदी च्युतपक्षपात तस्यास्ति नित्यं खलु चेत्।
बस यहीं तक चार कलश पर। अभी चर्चा 142 गाथा में क्या चल रहा है? एक ने कहता है कि आत्मा कर्मों से बंधा, और एक ने कहता है कि आत्मा कर्मों से बंधा नहीं। तो बताओ क्या गलत है और क्या सही। और दूसरी बात, क्या नए से बंधी है और क्या नए से छूटी। और तीसरी बात, क्या नए की जानकारी, नए से वस्तु की जानकारी नहीं करना चाहिए। और चौथी बात, फिर नए का पक्ष क्यों छुड़ाना चाहते हैं जब वो ही नए बताते हैं। जब विचार आए तो आपको समाधान आपका ज्ञान दे। अभी अपन इस कलश को पढ़ते हैं कि जो 69 नंबर का, यही मुक्त्वा नय पक्षपातम, ये जो नय पक्षपातम मुक्त्वा, नय पक्षपात को छोड़कर स्वरूप गुप्ता अपने स्वरूप में गुप्त होकर नित्यम यानी सदा निवसंति यानी निवास करते हैं, वे ही विकल्प जाल चित शांत चित्ता, जिनका चित्त विकल्प जाल से रह शांत हो गया है, ऐसे आराधक जीव साक्षात अमृत का पान किया कर। देखो कितना सुंदर जैन शासन, कितनी सुंदर व्यवस्था। पहले तो वो ही आचार्य अपने वस्तु स्वरूप को बताते हैं कि भाई तू भगवान है, चैतन्य प्रभु है, कारण परमात्मा, ऐसा बताए। तो अब अपन कहाँ खड़े थे, सुनने में, पढ़ने में, विचारने में, समझने में, यहाँ खड़े। तो उन्होंने कहा कि ऐसा भगवान आत्मा है, तो अब अपन सुन रहे हैं। तो सुनना एक राग, सुनना एक विकल्प, सुनना एक इंद्रियाधीन कार्य, सुनने में जो बाच्य है उस पर ध्यान जाना था, और जीव का ध्यान वाचक पर चला गया, बोलने वाले पे गया, वाणी पर गया, कान से सुनने पर गया, मन से विचारने पर गया, तो ये जीव यहाँ आकर के भी आत्मानुभूति को प्राप्त नहीं। अंतिम व्यवधान, जो व्यक्ति स्वाध्याय करने ही नहीं आते, समझने का मन नहीं होता, उन्हें अपन कहेंगे कि स्वाध्याय करो, पूजन के समय पूजन में आओ और फिर स्वाध्याय में बैठो, देखो तुम्हारा चैतन्य स्वरूप भगवान कैसा बताते। क्योंकि जब स्वरूप जानोगे तो आपके चित्त में उसके प्रति लालायत भाव, ऐसा जानना था। तो जब लालायत हो गए और स्वरूप समझोगे, तो जो अनादि का पक्ष जीव को पर्याय का पड़ा था, जिसका निशेष समय सार में प्रारंभ से ही किया गया था, अब निश्चय नए के पक्ष का भी निशेष जनवाणी करे। क्योंकि निश्चय से आत्मा भगवान है, प्रमोद भाई इसमें बताओ क्या गलत। कोई गलती नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी भी तुम जहां के था, पहले अपने को मनुष्य मानते थे तो मनुष्य नहीं थे, अब तुम कहते हो कि मैं निश्चय नैसे भगवान हूं, तो कहते निश्चय नैसे भगवान नहीं। अब क्या गलती संदीप, यदि अब स्वभाव से भगवान तो स्वभाव से भगवान कहेंगे तो स्वभाव नहीं खड़ा हो। अभी आप बिल्कुल निश्चय नहीं से सुनने मिला, अब हम चलो नए नहीं बताते, अब ये कहते हैं कि आत्मा स्वभाव से भगवान, अब तो ठीक है कि नहीं डॉक्टर साहब, अब क्या गलती है, अब क्या गलती है, अब तो नहीं कह रहे कोई नए है, अब तो ये कह रहे आत्मा भगवान है। अरे भाई साहब कहना ही विकल्प है, नए है और राग शब्द है, शब्द में भी आत्मा नहीं, नए विकल्प में भी आत्मा नहीं, चिंतन में भी आत्मा नहीं, आत्मा सिर्फ एक जगह है जहां आत्मा में आत्मा है। स्वरूप गुप्त न किंचित अस्ति कर्तव्य मेवा अमृतचंद सु, अपना नाम उनके क्या रखा मान, स्वरूप गुप्त, जैसे बड़े पंडित जी अपना नाम आत्मन रखें, आत्मन रखेंगे तो कोई राग द्वेष का काम ही नहीं, क्योंकि सचमुच में आप कोई डिग्री नहीं उपाधि,
ऐसे ही आत्मा का नाम क्या? स्वरूप गुप्त, स्वरूप में ही रहने वाली वस्तु। अभी एक बात तो ये समझना, प्रतिभि विचार ना, पक्षपात क्या कहलाता? कुंद कुंद देव का परिचय अमृत चंद्र देव ने दिया है, हमारे गुरु को पक्ष का भी परिग्रह नहीं था। पढ़ा है कहीं? प्रवचन सार के 5 गाथाओं की टीका के बाद अमृत चंद्र देव ने कहा कि जिनकी 700 विवेक ज्योति प्रकट हो गई है, जिनकी संसार का किनारा निकट आ गया है और जिन्हें पक्ष का भी परिग्रह नहीं है, 3 विशेषण दिए कुंद कुंद देव के अमृत चंद्र देव। ये अमृत चंद्र के भी विशेषण और नया तीर्थ व्यक्ति के भी विशेषण, तो पक्ष का भी परिग्रह नहीं, यानी कोई भी पक्ष लेके जस्टिस नहीं बैठ सकता। हमारे भगवान को कोई भी पक्ष नहीं, ना पर्याय का है ना द्रव्य का, और कोई भी पक्ष बनाने वाले को आत्मा नहीं मिलती। राज भी फिर से समझना, तुम यदि व्यवहार नय का निषेध करोगे तो आपको वर्तमान संसार का सही ज्ञान नहीं होगा, तो उसका भी पक्ष नहीं होना चाहिए। व्यवहार नय का ज्ञान होना चाहिए कि व्यवहार नय से वर्तमान में दशा में क्या चल रहा है, ये ड्यूटी व्यवहार नय को सौंपी भगवान जिनेन्द्र देव ने कि तुम बताओ जीव संसार में राग द्वेष से रुल रहा परेशान, संसार चल रहा है इसकी पैर मुक्ता है, अशुद्ध उपयोग है, कसाय है, विषय है, ये जीव को संसार में रुला रहे पर द्रव्य नहीं रुला रहा, ये व्यवहार नय ज्ञान कराए। और दूसरे नहीं कहेगा भले जीव संसार में व्यवहार में फंसा है और पर्याय में राग द्वेष दशा प्रकट होना चाहिए, परंतु वस्तु स्वभाव से ही पवित्र है, शुद्ध है, भगवान है, सिद्ध। ये किसने नहीं बताया है? निश्चय नहीं। अब बताओ, अब तो सही हो गया ना? कर्म से राग द्वेष से बंधन ना हो तो व्यवहार न झूठा हो जाए, भगवान की वाणी एक अंश में झूठी हो जाए, और यदि आत्मा सचमुच में स्वभाव से ही बंध गया हो तो फिर आत्मा का अनुभव कभी हो सकता है नहीं। तो निश्चय ने खड़ा किया, व्यवहार नय के निषेध के लिए निश्चय नय का पक्ष आना चाहिए। अब निश्चय नय के पक्ष का निषेध कैसे आए? जब तक उसका निषेध नहीं आएगा तो अनुभूति, तो शुद्ध नय कहेगा भगवान है आत्मा, अशुद्ध नय भी एक राग है, नय है ना विकल्प, तो उसका भी निषेध आना चाहिए। तो उसका निषेध आएगा जब आत्मा का अनुभव, क्योंकि उसका पक्ष रहेगा तो आत्मा पक्षातिक्रांत को प्राप्त नहीं। अब दूसरा एक प्रश्न सोचना, सभी लोग सोच कि जब ये कलश लिखे तो अमृत चंद्र देव नयों के विकल्प कर रहे थे कि नयातीत अनुभव कर रहे थे? ये जो लिखे गए हैं ये बिना राग के छठवें गुणस्थान में आए बिना लिख सकते? नहीं लिख सकते। और उस समय उनके चित्त में क्या तैरता होगा आप सोच लो। वस्तु नयातीत है, चैतन्य तो चैतन्य ही है, चैतन्य स्वभाव में नए नई विकल्प नहीं, और विकल्पों से आत्मा प्राप्त होती नहीं है। पर अमृत चंद्र देव से लिखे कैसे गए होंगे जब आत्मा नयों से नहीं मिलती, विकल्प से नहीं मिलती, अरे व्यवहार नय के पक्ष से नहीं मिलती, निश्चय नय के पक्ष से भी नहीं मिलती, फिर पक्ष तो छोड़ो विकल्प से भी नहीं मिलती, चिंतन से भी नहीं मिलती, तो फिर ये काय को लिखे हो? तो उसका उत्तर ये है कि जब वो निर्विकल्पता का रस लेकर बाहर आते थे तब उनको विकल्प में भी नयातीत का रस चढ़ता, अरे मैं तो भगवान हूं चैतन्य, विकल्प भी कैसे आएंगे? जैसा आत्मा है वैसा चिंतन विकल्प में भी चलना चाहिए, तब वो वस्तु विकल्प का भजन छूटेगा और ज्ञाता का भजन आएगा तो विकल्पातीत हो जाए। ये कहां लिखा है? इसमें तो लिखा ही है, ये परमात्म प्रकाश में दूसरा अधिकार है ना मोक्ष अधिकार, उसमें लिखा सविकल्प शुद्धोपयोग,
जैसे तोड़ जी ने कहा ना सविकल्प से निर्विकल्प की प्राप्ति, ऐसे ही उसने दूसरे अध्याय में लिखा मोक्ष अधिकार, उसमें लिखा कि विकल्पों में तो तैरना चाहिए तेरी बस। कि मैं कहता हूँ जिसके विकल्प ही में नहीं आ रहे कि मैं भगवान हूँ, वो विकल्प अतीत कैसे हो, और जिन्हें विकल्प ही में आनंद आने लगा वो विकल्प अतीत कैसे हो। सम्य ज्ञान दीप का है जो अपना श्रेयांश पढ़ता, उसमें लिखा कि पहले जब हार लेते हैं तो लेने के समय हार संबंधी बहुत विकल्प, किस दुकान में ले, किस तरह का ले, कौन सी डिजाइन, कितनी कीमत का, कैसा लगेगा मेरे लिए, ये सब हार संबंधी विकल्प आएंगे। और जिस समय जीव हार पहन लेगा उस समय विकल्प को यदि मुख करेगा तो फिर हार पहनने का आनंद आएगा कि नहीं। तो तुम्हें आनंद भोगना है कि पढ़ना है, अभी पूछ रहे हैं। अभी अपन ने पंडित जी को देखा कैसा अमृत पीते हुए वो प्रवचन करते, बोलना नहीं चाहते किसी, सच पूछो कोई बैठता है ना तो ऐसा लगता है कि जीव कब चला जाए, अंदर से बता रहे उनकी खुराक क्या बोले, किससे बोले, सब जगत के मोही जन इनसे क्या बात करे, इनसे तो यही बात करो व्यवस्था कैसी, घर गृहस्थी कैसी, धंधा पानी कैसा, लड़के बच्चे कैसे, अब ये बातें गुरुजनों को बताएं तो अच्छा लगे, पंडित जी साहब सुनेंगे ये सब बात। तो अमृत पीना हो तो आप निश्चय का भी पक्ष नहीं रखना, ये क्या यही मुक्त्वा नये पक्ष पातम स्वरूप गुप्ता निविशन्ति नित्यं विकल्प जल च्युत शांति चेता तैव साक्षा अमृतं पिबन्ति। आत्मानुभव के विकल्प में भी आत्मानुभव नहीं है जहर। ये कौन से अधिकार में लिखा कुंदकुंदेव ने, मोक्ष अधिकार में लिखा कि प्रतिक्रमण प्रतिसरण परिहार निंदा गर्हा स्तुति ये सब विकल्प जहर है इसको। तो ये साक्षात अमृत पीने की प्रेरणा है, पीने वालों ने कहा है और पीने के लिए ही सब जीव लालायित तो होना चाहिए, और आत्मा हूँ ऐसा निर्णय प्रॉपर सबको होना चाहिए कि मेरे चैतन्य में कुछ भी विकृति आई ही नहीं है। कल अंतिम कलश अपन ने सुना अविचल है भगवान, जैसे सुमेर पर्वत अविचल, अरे निगूद में ले जाने वाली हवाएं भी उसे विचलित नहीं कर सकी, ऐसा द्रव्य का नाम है भगवान आत्मा कारण परमात्मा अविचल है। और किसी किसी कल बातें निकली कि राग द्वेष चलता है सब हमारे जीवन में, कि राग द्वेष की परिणतियां आत्मा को राग से स्पर्श नहीं करती, राग स्पर्श नहीं करता, द्वंद में नहीं आता है कभी आत्मा, ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है, द्वंदा निश्चय ऐसा खूब अपने चित्त में चैतन्य को पधराने के पहले अनुभव के पहले चैतन्य संबंधी निर्णीत ज्ञान होना चाहिए, परिपक्वता होना चाहिए, कभी कोई पक्ष लेके नहीं बैठना चाहिए। देखो बड़े पंडित जी कहते हैं कि हमारे ज्ञानी जन दोष बताएं तो पक्ष नहीं बनाना कि मैं तो ज्ञायक हूं मुझे कहां दोष, एकदम पैर पकड़ लेना आपको कैसे दिख गए, बहुत उपकार आपका, अच्छा बताया तो समझ लेना तेरे दोष भागे, और जब वो कहेगी तू भगवान है दोस्त तुझे कहा हो तो पकड़ लेना पैर कि आपने बताया मैं भगवान हूं, अभी भगवान हाँ त्रिकालिक भगवान, तो मैं सम्यक दर्शन कर सकता हूं, अरे तू आत्मा भगवान है सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी थी, ऐसा पक्षाती क्रांत व्यक्ति आत्मानुभूति कर पा, जिसे कि एक भी नए का पक्ष होगा जिसे लगे कि हमें तो निश्चय सुनना, जब सुमत जी 2000 सन के एक साल पहले आए थे 1999 2000, तो उन्होंने कहा था बताओ हम तुम्हें निश्चय की बातें बताएं कि व्यवहार, पहला प्रश्न था कि निश्चय नहीं की बात सुनना पसंद करोगे कि व्यवहार नहीं, तो कोई बोली साहब व्यवहार तो बहुत सुनते निश्चय नहीं की बताओ,
तो बोली तू व्यवहारा भाषा निश्चय भाषा। अरे हमारे यहाँ नए की बात नहीं है, यदि हमें प्यास लगी होगी तो उस समय हम घी थोड़ी पिलाएंगे इस व्यक्ति के साहब, ये सस्ती चीज है हम क्या पिलाएं। तो प्यास के समय पानी ही अमृत। इसी तरह से जिसने कभी आत्मा नहीं सुनी उसे शुद्ध नहीं भी बनाएंगे, और जिसने आत्मा सुन ली है और अभी व्यवहार का पक्ष घर गृहस्थी का भोगों का नहीं छूट रहा है तो उससे कहेंगे कि भैसा अभी कब तक चलेगा, अभी स्वामी जी सुना कि नहीं कि वो अर्धांगिनी भी अब जहर लगती है जब उसकी सिर पर भूत सवार हो। तो कोई भी पक्ष न रख कर चैतन्य तो चैतन्य ही है, निश्चय नहीं कि विकल्प से अभी आप मुक्ति दिलाना चाहते हैं और ये मुक्ति विकल्प है ऐसा कहने से नहीं होती। जब वो अपना ज्ञायक का पक्ष आता है यानी मैं सचमुच में आत्मा हूं, आत्मा संबंधी चर्चा थोड़ी हूं, तो वो नए का पक्ष छूट जाता है और नया तीत आत्मा की अनुभूति होती है, उसे कहते हैं साक्षात अमृत का पान। एक से बदो न तथा परस चितिर्यो द्वा विति पक्ष पात यस्तत्त्ववेदी चित पक्ष पात तस्यास्ति नित्यं तदुचेच्यदेव। श्लोकार्थ है 70 का, जीव कर्मों से बंधा हुआ है ऐसा एक नए का पक्ष, और जीव कर्मों से बंधा हुआ नहीं है ऐसा दूसरे नए का कथन है। इस प्रकार किसकी चर्चा है, चित स्वरूप जीव। चित स्वरूप कौन है, है? कि मैं ही चैतन्य स्वरूपी आत्मा, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं रागी द्वेषी मोही कर्म आदि वाला नहीं हूं, मैं साक्षात चैतन्य परमात्मा हूं। इस स्वरूप को बताने के लिए नए आए। तो जो चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात यानी दो कथन है और उसका पक्ष बनाते हैं तो फिर पक्षपात नाम आते। तो दो कथन है, दो चिंतन है, दो नयों से दो एंगल से वस्तु स्वरूप समझना, समझने में कंजूसी नहीं करना कि हमें ये नहीं अच्छा नहीं लगता, ये नहीं बुरा नहीं लगता। दोनों नयों की कथन है। तत्ववेत्ता किसे कहते हैं, कि जो अपना प्रयोजन साधने में चतुर, विचार करो आप किसे तत्ववेदी के, पत्थर में आवरण भी है और भगवान भी है। लड़की देखने गए तो उसके घर में कार मंगला सब है, सहेलियां हैं, परंतु हमारा प्रयोजन जिससे पूरा होना है अपना निगाह पर वहीं भर जा। क्या करना भैया बंगले का, हमें तो बेटी ले जा, ऐसे ही क्या करना है ये चार अनुयोग की पढ़ाई का, हमें तो अनुभूति यानी आत्मा को देखना, ऐसा लक्ष्य रहेगा तो फिर पंडित की शैली पर नहीं मुग्ध होगा, शास्त्र पर मुग्ध नहीं होगा, नयों के पक्ष नहीं बनेंगे, दिनों में धर्म नहीं दिखेंगे, आत्मा देख लेगा और पर्व सफल हो जाएगा। अब हमें पूछना, एक नए से बंधा है ये क्यों बताना चाहिए, और कौन सा नए जिससे बंधन बताया जाए, और काय का बंधन है से कर्मों का बंधन है कि भाव कर्मों का है कि नो कर्म का बंधन, विचार करो आप काय का बंधन है से। और एक तरफ दूसरे तरफ को छूता नहीं और हमारी दुकान दिगंबर किराने किसकी हमारी है और छूता है नहीं, भगवान पर द्रव और भी मेरी पत्नी पुत्र भगवान तो पर द्रव लगते, अभी भाई साहब ने कितने रिजल्ट को कि थोड़ी भाषा मीठी कर, ये भगवान मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं, इनमें पेरा पहले महत्व तो ला भाई, ये भगवान अपने अपने भगवान है, अपने गुरु भगवान प्राणों से प्यारे लगते,
क्या देते हैं कि क्या नहीं देते। कभी ऐसा नहीं समझना कि भगवान ने, अरे इन्हीं के पास सब कुछ मिले, क्या मिलेगा कि मोक्ष मार्ग जब मिल सकता है तो संसार की कौन सी बड़ी बात, स्वर्ग आदि तो भूसा जैसी मिलती। इनके पास आने के भाव में हजारों पास का पुण्य लगता है। नहीं मालूम हो तो उससे पूछो मेढक से। मंदिर में जाने का, आराधना का भाव आ जाए, समझ लेना तू महाभाग्यशाली, तेरी अच्छी होना रहे जब इसलिए मंदिर याद आ। स्वाध्याय में बैठ गया तो तेरा तो मोक्ष होगा। प्रसन्न चित्त से सुनने वाले को का भावी निर्वाण भाजनम लिखा, ये कुछ छोटे मोटे आचार्य ने नहीं लिखा, पद्मनंदी भगवान ने लिखा। ये भगवान की वाणी सुनने मिलना चक्रवर्ती से बड़ा पुण्य विमल भैया, और सुनकर अच्छी लगे तो तेरी भव्यता दिखने लगी कि तेरे हो अनार अच्छे दिन आने वाले, और जिसे आत्मा ही दिखने लगे उसका मोक्ष हो गया समझ ली। तो बंधा है कि नहीं, कि हाँ गलतियां जितनी है उनसे बंधा है, कर्म से बंधा है, ये तो हथकड़ी है, इससे नहीं बंधा है, अपने अपराधी भाव से बंधा है। भाव कर्म का बंधन जबरदस्त है, क्योंकि घर तो वहां का वहां पड़ा, जहां देह अपनी नहीं। देह का बंधन होता तो चंदन वाला और मानतुंग स्वामी आत्मा अनुभव नहीं कर पाते। देह का बंधन उतना बड़ा बंधन नहीं जितना भाव का बंधन। तो बंधा है कैसे, बंधा है आठ कर्मों से। कमल कुमार जी, आठ कर्मों से बंधा है कि भाव कर्मों से बंधा? ये भाव कर्म का हिसाब किताब कौन रखता है? द्रव कर्म रखते। 148 प्रकृतियों में कितनी प्रकृति बनती प्रति समय, तो वो भी हमारे यहाँ ज्ञान है, हमारे यहाँ ज्ञान है हमारे जैन शास्त्र। ऐसा हिसाब किताब 70 कूड़ा कूड़ी का विश्व में कहीं नहीं। आप पर घबरा गए अपन, तो आचार्य ने कहा रे तुझे तो कर्म छूते ही नहीं, कर्म कर्म में और आत्मा आत्मा में, तो वो जिस समय बंधन था उसी समय आत्मा को अबंध बता दिया कि तुम बंधन के काल में भी अबंध आत्मा का अनुभव कर सकते। 14-15 गाथा पढ़ना, उन्होंने कहा साहब जब कर्म से हम बंधे हैं तो हम अनुभव कैसे कर सकते, तो क्या उत्तर दिया किसी को यार है? हाँ, ये उपाय बता था उन्होंने, एक एक लाइन उत्तर दी। ये जितने भी बंधन है गतियां है, 14 गाथा में याद किसी 14 गाथा की टीका है, निकालो 14 गाथा, देखो कितनी पढ़ चुके और अपन सब उनकी भाषा भी देख रहे कितनी प्यारी लगेगी। 14 गाथा की टीका पढ़, इसमें हमारे में 43 पेज पढ़। निश्चय से अबद्ध, अस्पर्शित, अनन, नियत, अविशेष, असंयोग, ऐसे आत्मा की अनुभूति शुद्ध न है, और वह अनुभूति आत्मा में ही। इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है। आत्मा की अनुभूति कहो, आत्मा कहो, शुद्ध न कहो, सब एक ही बात है, अलग है। अब देखना शिष्य का प्रश्न, शिष्य पूछता है कि जैसे आप ऊपर कह रहे हो कि ऐसी आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है, ऐसा प्रश्न क्यों है? बद्ध स्पष्ट आदि भाव अभूतार्थ है इसलिए अनुभूति हो सकती। मिला उत्तर? शिष्य का ये प्रश्न है कि हम तो आठ कर्मों से बंधे हैं, इस समय मनस पर्याय में परिणामों में देखो तो निरंतर राग द्वेष आकुलता चल रही है, क्षय संज्ञान देखो तो एक प्रवचन की 5 लाइनें भी हम बता नहीं सकते, यहाँ खड़े होके इतने जल्दी भूलते हैं। घर ले जाने की बात तो बहुत दूर है, और ले जाएंगे तो फिर मंदिर से चोरी करके तो जाएंगे दिगंबर, तो हम ज्यादा ले भी नहीं सकते। तो हम ऐसी स्थिति में हम आत्मा का अनुभव कैसे कर सकते, फिर से हमारे दर्शन मोनी का तीव्र हृदय हम आत्मा अनुभव कैसे कर सकते, इस समय मनुष्य पर्याय में बहुत विकल्पों में धंधे पानी में लगे कैसे कर सकते, हमारी गति ऐसी है सर्वज्ञ है नहीं, मुनिराज का दर्शन मिलना कठिन है,
वक्ताओं का मिलना कठिन है, शरीर साथ नहीं देता, ऐसे में हम आत्मा का अनुभव कैसे कर सकते हैं? ज्ञान का ठिकाना नहीं। देखो क्या लिखा, सबका समाधान यह है कि ये जो बद स्पष्ट यानी पांचों भाव ये कैसे है? अभूतार्थ, अभूतार्थ यानी मेरे स्वभाव में नहीं है, इसलिए कर्म के बंधन के काल में भी अबंध आत्मा का अनुभव हो सकता है। गति मनुष्य की है तो भी आत्मा अनुभूति को प्राप्त हो सकता, मनुष्य पर्याय बाधक। लोग तो कहते ग्रस्तों को अनुभव नहीं होता, ये तो कहते कुत्तों को भी, मेंढकों को भी, सर्प को भी और नारकी को भी आत्मा का अनुभव इसलिए हो सकता है क्योंकि वो आत्मा, वो मनुष्य नहीं। मनुष्य तो दशा का स्वान का ना प्रबोध भी है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हम कर्मों से बंधे हैं, घर गृहस्थी से बंधे हैं, उस समय भी हमें आत्मा अनुभव में आ सकता है कि नहीं? कैसे आ सकता है कि घर में घर है और घर का राग भी पर्याय में है पर आत्मा में ज्ञान ही ज्ञान भरा है, आनंद की मूर्ति है, तो प्रगट ज्ञान से क्या का अनुभव हो सकता है? एक शब्द कह के कितना वजन उतार दिया। ये सब भूतार्थ है, इसलिए आत्मा अनुभव में भूतार्थ तरीके अनुभव में आ सकता। अभी ग्यारहवीं गाथा याद है किसी को? ग्यारहवीं गाथा में कहा था, ग्यारहवीं गाथा के पहले कि सब जब आप ये बताओ कि नयों के बिना आप हमें वस्तु स्वरूप समझा नहीं सकते, तो फिर ये नए को हमें ही क्यों कहते हो? व्यवहार आदि जो निश्चय का प्रतिपादन करता है, निश्चय को बताता है, ऐसे व्यवहार को आप साधन कहो ना, इसमें क्या गलती है? कि नहीं नहीं सगला व्यवहार अभूतार्थ है, तो क्यों अभूतार्थ हमें समझ में नहीं आता? जो निश्चय को प्राप्त कराए कि निश्चय ने व्यवहार का निषेध करे तो उसकी कीमत रहे, और व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन करे तो उसकी कीमत। बादाम का छिलका गिरी की सुरक्षा करता है, इसलिए उसे उसके भाव में तुल करके बिक जाता, और यदि निश्चय ने उसका निषेध ना करे तो बादाम के हलवे का स्वाद नहीं ले सकते। समझ में आए? दोनों नए की उपयुक्त, जिसे नए के पक्ष बन जाते हैं ना, उसे नयातीत वस्तु मिलना कठिन। व्यवहार ने किस काम में आता? तीर्थ प्रवर्तन के काम में, और निश्चय ने किस काम में आता है? वस्तु के हार्द को बताने के काम में, और नया तीर्थ किस काम में आता है? साक्षात अमृत पीने के काम। अनुभव करना हो तो पढ़ना परापर, पढ़ना पर पक्ष बना के नहीं। रात में भी ये आया था कि भाई स्वाध्याय करना पर शास्त्र का पक्ष नहीं बना, रात में गजब का आया था कि तुम शास्त्र पढ़ने लगते हो और शास्त्र में आत्मा पढ़ने के लिए कहा, उससे प्रयोजन नहीं साधते। कितनी करुणा होगी तोरणमल जी की, अपन कर विचार नहीं कर सकते कि तोरणमल जी की करुणा क्या करे। अच्छे गहरे स्वाध्याय से कहते भैया नए से वस्तु नहीं है, नए आत्मा में नहीं है तो नए आत्मा की प्राप्ति का साधन भी नहीं है। वो जो आत्मा है वो आत्मा की उपलब्धि का साधन ही मंत्र है मामा। आत्मा में 24 घंटे ज्ञान है तो ज्ञान से आत्मा प्राप्त होगी। राग त्रैकालिक जैसा ज्ञात दृष्टा वस्तु को आत्मा प्राप्त समझे तो वो अपनी वस्तु अपनी लगे। इसे निरंतर चेष्टा रूप के समझिए, चेष्टा रूप जी जैसा है ऐसा ही निरंतर अनुभव में। इस ग्रंथ में पहले से ही व्यवहार नय को गौण किया गया है, शुद्ध नय को मुख किया गया है। चैतन्य के परिणाम पर निमित्त के से अनेक प्रकार के होते हैं, उन सबको आचार्य देव पहले से ही गौण करते आए। वर्णाद्यावा राग मोह दैवा भिन्ना भावा, कितने बोल से भिन्न किया बता सकते? कोई अजीब अधिकार 29 बोलों से अलग किया, 20 तो पुद्गल के जाते वर्णादि और 9 जीव की तरफ जाते। 29 बोलों से न्यारा उन जीव को शुद्ध चैतन्य मात का। अब देखो समेट की वस्तु कितनी आ जाने चाहिए कि ज्ञाता मात, कभी चैतन्य मात, कभी ज्ञाता मात। इस प्रकार जीव पदार्थ बताना है और शुद्ध नित्य अभेद चैतन्य मात्र अपने ज्ञान में पहले प्रापर उसका स्वरूप निर्णय करके स्थापित कर।
अब कहते हैं कि जो इस सुधने का भी पक्षपात, यानी देखो पक्षपात का अर्थ क्या लिखा, विकल्प करेगा यानी विचार में लाएगा, तो अशुद्ध से तो बचेगा, उस शुद्ध स्वरूप के स्वाद को पर प्राप्त नहीं करता, यानी मुमुक्षु मंडल में बैठने लायक तो हो जाओगे कि अब शुद्ध नहीं इन्हें सुनने मिलने लगा, विचार में चिंतन में आ गया, परंतु अशुद्ध नहीं की तो यहाँ बात ही नहीं है। किंतु यदि कोई शुद्ध नहीं का भी पक्षपात करेगा तो पक्ष का राग उसी आत्मा नहीं मिलने, इसलिए भाई भीतराग का प्रकट नहीं होना है तो फिर आपको क्या लाभ मिला यहाँ आने, काय के लिए मंदिर बना था आनंद भोगने के लिए, वो काय के लिए इसने बना लिया, विकल्प करने जी ऐसा क्यों करते, जी ऐसा क्यों करते, अरे भैया जो करते हैं हमारा आत्मा वहां देखता क्यों, हम काय के लिए घर से चले, सोचना अपने अपने से पूछना, निश्चय निश्चय कह के सब भूल जाओ जो जो विकल्प घर गृहस्थी के यहाँ नहीं याद कर, यहाँ तो यही भर ये भगवान जैसे आप हो वैसे ही मुझे अमृत पीने के लिए प्रकृति ने अवसर दिया, यदि अपन 10 दिन के पहले ही मर जाते तो ये 10 लक्षण पर भी कौन मनाता, सोचो प्रकृति को धन्यवाद दो कि हमें आपने ये लाभ दिलाया, तो कोई राग लेके राग के साधन बना के यहाँ ना बैठे, पक्षपात को छोड़कर चिन्मास स्वरूप में लीन होने पर ही किसे प्राप्त करना है, समय सार प्राप्त किया जा सके। कल पंडित जी ने जाते जाते कहा कि देखो गुरुदेव को समय सार मिला तो जंगल भाग क्या और पेड़ के नीचे बैठ गए और खाई में बैठ गए, यहाँ तो कोई डिस्टर्ब नहीं, और फिर देखने के लिए उपयोग सूक्ष्म होना चाहिए, अपनी अभी शिखर ही जाना अपन सबको, और टोंगे देखो कितनी छोटी सी जगह में बन कि जिससे वह कोई दूसरा आदमी ना बैठे जो कहे कि भाई साहब आत्मा तो भगवान है, ये कहने वाला भी हमें अब नहीं चाहिए, अब भगवान सुन लिया, भगवान देखने के लिए क्षण आए तो स्वरूप में लीन हो गए तब समय सार प्राप्त होता है, इसलिए शुद्ध नय को जानकर उसका भी पक्षपात छोड़कर शुद्ध स्वरूप का अनुभव करे और स्वरूप में प्रवृत्ति रूप चारित प्राप्त करे, यानी धर्म कितना है, वीतरागता का आनंद अमृत भोगना इतना धर्म, और इसके अलावा जितनी है उसका पढ़ाई है, शिक्षालय है, चर्चाएं हैं, गोष्ठी है, इसका निषेध नहीं करना, परंतु इसका पक्ष लेने पर अपन ने अनंत भव बिगाड़े, इसका भी पक्ष अपन को अनंत बार आया, गाय का समय सार का शुद्ध नय का, पर आत्मा अनुभव में नहीं आया तो पक्षातिक्रांत नहीं हुआ,